हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एनटी के तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास EWS, OBC, NCL, SC, ST इसके रिगार्डिंग अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जान लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि NTA की तरफ से जारी जो नोटिस है उसमें ये कहा गया है कि जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए वो जनवरी 2022 का होना चाहिए, यानी उसके बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है NTA के वेबसाइट पे, आप उसको जब डाउनलोड करेंगे उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से चूँकि EWS सर्टिफिकेट हो, OBC, NCL हो या SC ST कैटेगरी हो, इन सब सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे NTA के साइट पे नीट UG 2022 के लिए। तो उससे संबंधित ये जानकारियाँ आपसे साझा करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि यदि आपके पास 2022 यानी जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब क्या करें। और मोस्टली जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जनवरी 2022 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो उस केस के लिए क्या करें, उसके लिए NTA ने आपके लिए एक रास्ता निकाला है। और वो रास्ता ये है कि जो भी आपका EWS सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको अभी वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है और उसे क्लियरली आपको फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है अपेंडिक्स 9B डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स इन द लियो ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट, ये एक तरीके से फॉर्मेट है NTA के तरफ से। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस पेज को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसको क्लियरली आपको फिल करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने हैं और साथ ही फिल करने के बाद इसके बाद आपको इसकी फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है। और ये बात ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो वो आपका काम नहीं करेगा। जैसे इस लाइन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट दिस सेट सर्टिफिकेट ऑन टाइम, आई मे काइंडली बी अलाउड ऑन राइट नीट UG 2022 प्रोविजनली, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई विल अपलोड अ फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर सीट एलोकेशन। जी हाँ, तो ये जैसे अगर आपको सीट एलोकेशन हो जाती है, आपके नीट में अच्छे मार्क्स आते हैं और आपको सीट मिल जाती है, तो उस समय में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करने होंगे जो कि 1 जनवरी या उसके बाद के सर्टिफिकेट आपको इश्यू हुआ हो। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यही बात जैसे EWS के लिए है, इसी तरीके से आपके पास OBC NCL के लिए भी है कि आपके पास यदि OBC NCL के सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट दिया गया है। उस ये आपको अपेंडिक्स 10A OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट के रूप में मिल जाएगा, जो कि इस तरह से इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके लिए भी एक अलग से फॉर्म दिया है, उसको अगेन आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है और उसे क्लियरली फिल कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10B डिक्लेरेशन बाई कैंडिडेट इन लियो ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट, इसको आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद वापस से इसकी फ़ोटो खींचकर और उसे आपको अपलोड कर देना। इसके बीच आपको जो है वो सर्टिफिकेट OBC NCL वाला भी बनवा लेना है, जैसा कि नोटिस में कहा गया है। इसी तरीके से अब तक SC ST के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आपके पास पुराने हैं तो आप पुराने डॉक्यूमेंट से चलाएंगे, उसके लिए अभी तक कोई NTA की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है कि 2022 का ही आपको SC ST का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। बाकी कुछ स्टेट्स में अलग से नॉर्म्स हो सकते हैं, तो उस स्टेट की गाइडलाइन को आप ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।